चंदनकियारी प्रखंड के गोरीग्राम गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बूचा बाबा शिव मंदिर में हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाई गई। इस अवसर पर व्रतियों ने निर्जला उपवास रखकर भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की और तकरीबन 40 फीट ऊपर भोक्ता खोटा पर लटक कर परिक्रमा भी की। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने अपने जिस्म पर नुकीले लोहे के किलों से अपने शरीर पर छिदवाकर आस्था का परिचय दिया। भक्तों द्वारा मनभावन दृश्य जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है इस दिन भोले बाबा मंदिर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और भक्त उनको बुलाने के लिए अपने शरीर पर तरह तरह के नुकीली चीजों को अपने शरीर में छिदवाकर भोलेनाथ को बुलाते हैं और भगवान भोलेनाथ लोगों का यह आस्था देखकर वापस मंदिर में प्रवेश करते हैं। मौके पर आयोजक कमेटी ने कहा कि कोरोना काल में 2 साल यह त्योहार फीका पड़ गया था, लेकिन इस वर्ष लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं और राहगीरों के लिए शरबत, शीतल पेयजल की भी व्यवस्था की गई एवं प्रशासन द्वारा काफी सहयोग मिला। भोजुरू से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? शरद गो। आज का जो पावन त्यौहार है आप लोग कैसे मना रहे हैं? सारा पूजा है बोल के से मना रहे, धूमधाम से मना रहे हैं। ये जो आपके शरीर में कील लगा हुआ है, लोहा कांटा जो लगा हुआ है, आप लोग इसका मतलब क्या है? इसके चलते हम लोग व्रत करते हैं कि बाबा या पार्वती माँ का कृपा से हम लोग जो इन सब काटा फूराते हैं तो हम लोग या दवा या सुनकर कोई फर्क असर नहीं पड़ता, कोई दवा का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप ठीक होता है ना, अपने आप ठीक होता है। किसी काटा में काटा जाता है, सुई लेना पड़ता है, लेकिन इसमें किसी चीज का जरूरत नहीं है। ये त्यौहार आप लोग कब से करते हुए आ रहे हैं? 5 साल से करते हुए आ रहे हैं। इसमें नियम धर्म क्या है? नियम तो एक मेरा पालना पड़ता है, पहला रोज जैसे कि खाना पीना खाना पीना हुए हम लोग व्रत करते हैं, उसमें नाक चुचवाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, मोज बनाते हैं, उसके बाद मंदिर में चना फुला करके आम उसके बाबा का नाम पर चढ़ता है, पूजा होता है, फूल भी पड़ता है, उसके बाद हम लोग बोझ का हम लोग फलार करते हैं। फलार करने के बाद उसके बाद दूसरा रोज रात 12 होने के बाद उपवास करते हैं। उपवास करने के बाद हम लोग रात में पूजा होता है, रात को 2-3 बजता है, उसके बाद हम लोग पानी पीने में लगता है बाबा को। ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलता है? ये कार्यक्रम तो शायद हम लोग चार दिन चलता है, लेकिन हम लोग का शुरुआत है। ये भक्तों का पर्व है, भक्तों का पर्व है। बंगाल झारखंड से दूर दराज से सभी आते हैं और मन्नत मांगते हैं। ये बाबा पूजा महादेव के नाम से जाने जाते हैं। ये पूजा महादेव जो भी मनोकामना लेकर जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं सबका मनोकामना पूर्ण होता है, और उसी प्रकार वो अपने जीवन को कष्ट में देकर उसी प्रभु को अपने आस्था व्यक्त करते हैं। और ये आस्था का महापर्व है जिसमें हम लोग 1 अप्रैल माह में मुख्य रूप से इसको मनाते हैं। 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यह त्यौहार मुख्य रूप से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज 15 तारीख है, 14 तारीख है, तो 14 तारीख में हम लोग हर साल इसी प्रकार से भगता गुरा के नाम से यह त्यौहार प्रसिद्ध है।
हमारे बंगाल झारखंड एवं दूरदराज के धनबाद हो उतारो हो जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं सभी के लोग यहाँ पर आसपास में आते हैं और धूमधाम से आनंद और खुशी त्यौहार के साथ और हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। शरीर में मोटे मोटे कील लगाकर घुमाया जा रहा, इसके संबंध में क्या कहना है? ये हमारे पारंपरिक त्यौहार है जिसमें हमको अपने प्रभु के ऊपर आस्था व्यक्त करते हुए कील को लगाते हैं और प्रभु को अपने कष्ट को अपने को देते हुए बोलते हैं, हम लोग जो कष्ट में है उसको उबारना है, हे प्रभु आप ही के लिए हम लोग सहें और आप जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं है, तो हम आपके लिए व्रत करेंगे, आपके लिए हम सहेंगे और आप हमको मुक्ति दीजिए, आप हमको सतमार्ग दीजिए और हम आपको इसी प्रकार से सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। विगत दो साल के बाद आज आप लोगों को इस तरह से त्यौहार मनाने के लिए मिला है, तो इस बार त्यौहार श्रद्धालुओं किस तरह से भीड़ है, रुझान है, खुशी है? हम प्रसाद दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।